नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रोक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सजा हुई है। सांसद संजय सिंह को 3 महीने की सजा सुनाई गई है। सुल्तानपुर कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई है। 21 साल पुराने केस में संजय सिंह को सजा सुनाई गई है। बिजली कटौती पर विरोध प्रदर्शन किया था। सुल्तानपुर कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई है मामले पर। आम आदमी पार्टी सांसद को 3 महीने की सजा और 1500 रुपए का जुर्माना लगाया है। तो सुल्तानपुर कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। 21 साल पुराने केस में संजय सिंह को सजा हुई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सजा सुनाई गई है। साथ हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव फोन लाइन पर बने हुए हैं। शैलेश, संजय सिंह को 3 महीने की सजा सुनाई गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी योगेश, बता दें आपको कि 21 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 6 आरोपियों को 3-3 माह की सजा सुनाई है और 1500 रुपए अर्थदंड भी दिया हुआ है। आपको बता दें कि बोलिए। जी आपको बता दें कि 21 साल पुराने मामले में बिजली कटौती के खिलाफ धरना प्रदर्शन मामले में सभी पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए आज 21 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी को 3-3 माह की सजा सुनाई है और 1500 रुपए अर्थदंड दिया है। वहीं संजय सिंह की माने तो 2001 में भाजपा की गवर्नमेंट थी, जहां पर बिजली कटौती और पानी को लेकर समस्या हमेशा बनी रहती थी। उन्होंने जनता की लड़ाई को मानते हुए आगे भी संघर्ष करते हुए लड़ने का फैसला लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। शैलेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। उधर यूपी के बलिया में बांसडीह रोड पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शंकरपुर तिराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल से आ रहे 2 व्यक्तियों को रोकने का इशारा करने पर भागने का प्रयास किए, जिन्होंने पुलिस टीम द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया। व्यक्तियों की तलाशी लेने पर 250 ग्राम ब्राउन शुगर मिली, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। जिनके पास तलाशी में एक पन्नी में भूरे रंग का पदार्थ पाया गया, जो लगभग 250 ग्राम है, जिसे ब्राउन शुगर बताया गया है। ब्राउन शुगर है वो, उसकी कीमत बाजारी कीमत लगभग 25 लाख के आसपास बताई जा रही है। चेकिंग में उन दोनों अपराधियों के पास से ब्राउन शुगर के साथ में एक अदद तमंचा और एक अदद जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इस प्रकार से यह एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता अवैध शराब और ड्रग्स से संबंधित अपराधियों के विरुद्ध प्राप्त हुई है। सिद्धार्थनगर जिले में ठंड से अब किसानों की फसलों पर भी नुकसान होना शुरू हो गया है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव सब्जी की खेती पर देखा जा रहा है। ठंड की वजह से पड़ रहे पाले के कारण सब्जियों की खेती सूख रही है, वहीं गेहूं की फसल पीली पड़ने लगी है। किसानों के सामने काफी विकट स्थिति पैदा हो रही है। कृषि विभाग के अधिकारी भी इस ठंड से उत्पन्न हो रही समस्या की बात कर रहे हैं और इसके साथ ही इससे बचाव के तरीके भी बता रहे हैं। बनाने की प्रक्रिया बाधित होने से फसल कहीं कहीं कमजोर दिखाई पड़ रही है, पीली दिखाई पड़ेगी, रोग भी लगेंगे। खास करके सब्जी की फसल या तिलहन में सरसों है, तोरिया है, मटर है, इन सब में
काफ़ी प्रभावित होगा अगर इस तरह से मौसम 4 से 5 दिन तक बना रहेगा तो इसके भौतिक दशा में काफ़ी प्रभाव पड़ने की संभावना है। सरसों में माहौल लग सकते हैं। ज़रूरत इस समय है कि किसान भाई जो इस समय हल्की सिंचाई करें, खेत में जो सिंचाई कर रहे हैं जो क्लियर नहीं हो हल्की से हल्की सिंचाई करें और अपने खेत की प्रतिदिन निगरानी करें। जहां पर कोई विपरीत लक्षण दिखाई पड़े जैसे फसल हरी होनी चाहिए हरी नहीं है, पीली हो रही हो, लाल हो रही हो, तुरंत अपने खेत में से पौधा निकालें और हमारे कृषि रक्षा अनुभाग से संपर्क करें, कृषि वैज्ञानिकों से हमारे संपर्क करें, हमें भी सूचित करें, उसके अनुसार उस पर बताया जाएगा इसमें क्या करना है जिससे कि फसल को। हरदोई में वकील की पिटाई का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो पुलिस कार्यालय में वकील की पिटाई का बताया जा रहा है कि वकील केडी यादव रेप के मामले में पैरवी करने के लिए गए थे। वहां पर ग्राम प्रधान से कुछ बहस हुई, बहस के बाद वकील की पिटाई शुरू कर दी गई, जिसके बाद उग्र में आकर वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया। अधिकारियों के कहने पर हंगामा शांत हुआ। रेप के मामले में पैरवी करने गए थे केडी यादव, ग्राम प्रधान ने बहस के बाद पिटाई की। उधर ऑटो एक्सपो को लेकर भारत के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान आज एक्सपो मार्ट पहुंचे। उन्होंने हुंडई कंपनी की ईवी को लॉन्च किया है। हुंडई ने अपनी इस खास कार का नाम EnQ5 EV रखा है। बताया जा रहा है कि इस कार की कीमत 44.95 लाख रुपए है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही ये गाड़ी भारत के बाजार में उतर जाएगी। इसकी लॉन्चिंग शाहरुख खान ने की है। यूपी के जालौन में घने कोहरे के चलते भीषण हादसा हो गया है। इस हादसे में 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, जिसमें करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर बचाव कार्य के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया। तो हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि यह बड़ा हादसा हुआ है जहां पर 7 लोग घायल हो गए हैं। हरदोई में राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें सत्यापन के दौरान पता चला कि 13,803 लोग मृत हो चुके हैं। उसके बाद भी उनके खातों में पेंशन जाती रही है और इसके साथ ही 45,470 ऐसे लाभार्थी पाए गए हैं जो अपने पते पर ही नहीं रह रहे थे। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि ऐसे लोगों की पेंशन ब्लॉक कर दी गई है और सत्यापन होने के बाद ही पेंशन दी जाएगी। बता दें कि हरदोई जनपद में 1,42,495 पेंशनर हैं। सत्यापन का कार्य समाज कल्याण विभाग ने 97% पूरा कर लिया है। उधर बिहार के बक्सर जिले में चौसा के पास बन रहे बक्सर जिला बिजली घर से जुड़ी जलापूर्ति पाइपलाइन और रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण के मामले पर किसानों का विरोध अब उग्र हो गया है। मंगलवार को किसानों ने निर्माणाधीन बिजली घर के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया था। इसका तब तो प्रशासन ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन रात होते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल प्रभावित गांवों में पहुंच गया। इस दौरान कई किसानों के घर में घुसकर पुलिस ने बेरहमी से मारपीट की, जिसके बाद आज सुबह ग्रामीण लाठी डंडे लेकर पुलिस और पावर प्लांट पर टूट पड़े। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उनमें आग लगा दी है। इसके साथ ही प्लांट के गेट पर भी आगजनी की है। इस दौरान उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की, वहीं इस दौरान 4 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। और उधर सीतापुर में सर्दी और ठंड से हृदय रोगी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले हफ्ते से अब तक हार्ट अटैक से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2 दर्जन मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी से बचने के लिए लोगों को हिदायत दी है। हार्ट से पेशेंट की संख्या बढ़ती नजर आ रही है।
हरदोई मल्लावा इलाके में दो टैंकरों की जोरदार टक्कर हो गई है, जिसमें एक टैंकर को चालक की केबिन में दबकर दर्दनाक मौत हो गई है। मामले की जानकारी पर पहुंचे पुलिस ने शव को केबिन काट कर बाहर निकाला, तब तक चालक की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की जानकारी परिजनों की दी, वहीं दूसरे टैंकर के चालक मौके से फरार हो गए। दुनिया की सबसे लंबी व महंगी नदी जल यात्रा के लिए निकला गंगा विलास क्रूज वाराणसी पहुंच गया है। मौसम खराब होने की वजह से यह 3 दिन की देरी से काशी पहुंचा है। सोमवार को क्रूज चंदौली के धानापुर से दोपहर में निकला था और वाराणसी की सीमा में प्रवेश कर गया था। वहीं शाम को वाराणसी के राजघाट से करीब 8 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया था। गंगा विलास क्रूज 13 जनवरी को असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगा। पीएम इसे रवाना करेंगे। 51 दिनों तक एडवेंचर्स सफर पर निकले वाला यह क्रूज बांग्लादेश से होते हुए असम के ब्रह्मपुत्र नदी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा। बुलंदशहर के पुलिस चौकी ऊंचा गांव क्षेत्र में करीब 1 दर्जन महिलाएं मिट्टी लेने गई थी। इस बीच वहां बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक महिला की जान चली गई। बता दें कि गजरौला गांव की रहने वाली करीब 1 दर्जन महिलाएं बुधवार सुबह मिट्टी खोद रही थी कि मिट्टी की ठाएं गिरने से कई महिलाएं उसके नीचे दब गई। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने पटना बीजेपी ऑफिस पर प्रेसवार्ता करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकले हैं। समाधान यात्रा से पहले भी मुख्यमंत्री ने कई यात्राएं की हैं। इसके पूर्व जितनी यात्रा हुई उसमें जनप्रतिनिधियों को बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहा है। जनप्रतिनिधि बेबाकी से अपनी बातें मुख्यमंत्री से करते रहे हैं, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री की इस समाधान यात्रा में हर जगह पर ध्यान ही उत्पन्न हो रहा है। उधर बिजनौर में कानून के डर से हाथ जोड़कर हिस्ट्रीशीटर थाने पहुंचा और अपराध न करने की कसम खाई। आरोपी पर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। हिस्ट्रीशीटर शावेज शहर कोतवाली के टिकोपुर का रहने वाला है। अलीगढ़ यमुना एक्सप्रेसवे पर कार सवार एक युवक को 3 अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर मोबाइल नकदी लूट का मामला सामने आया है। कार सवार युवक का नाम दिनेश बताया जा रहा है, जो अपने पुत्र के साथ घर लौट रहा था। आसपास के लोगों ने घायल व्यक्ति को लेकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 2023 को समय लगभग 7 बजे के आसपास थाना टप्पल में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसने सेकंड हैंड आईटेन गाड़ी 3-4 दिन पहले खरीदी थी, जब वो गाड़ी लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी सिमरौटी के आसपास 4 बाइक सवार अज्ञात लोगों ने उसको रोका और गाली गलौज करते हुए उसके पेट में गोली मारी और गाड़ी लेकर के चले गए। सूचना मिलते ही सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। घटना के अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और गाड़ी की बरामदगी के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। मजरूह को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है, उसकी कंडीशन अभी स्टेबल बताई जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई। आगरा दीवानी कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस अभिरक्षा से फरार बदमाश विनय स्रोतिया को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के अकबरा के पास एसटीएफ और पुलिस के फरार बदमाश विनय स्रोतिया से मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से फायरिंग में विनय स्रोतिया गोली लगने से घायल हो गया। उसे पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विनय स्रोतिया के पास से 1 पिस्टल और 1 तमंचा बरामद हुआ है। रायबरेली में छिनौती करने वाले शातिर महिला गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। 4 शातिर महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ई रिक्शा पर सवार होकर छिनैती की वारदात को अंजाम देती थी। पुलिस ने महिलाओं के पास से छिनैती का माल भी बरामद किया है। ये दर्ज कराई गई कि वो एक ई रिक्शा में बैठी थी और ई रिक्शा में उसके साथ 3-4 महिलाएं और बैठी और फिर उनमें से किसी एक महिला के द्वारा उसका चेन काट लिया गया। इस सूचना पर तत्काल चेकिंग कराई गई और चेकिंग के पश्चात इन 4 महिलाओं को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इन महिलाओं ने अपना पता आजमगढ़ का और गोरखपुर का बताया है। उसको वेरीफाई करने के लिए टीमें भेज दी गई हैं। इन महिलाओं से और पूछताछ करने पर यह भी पता चला कि इनके द्वारा अभी से 3-4 दिन पहले बछरावा थाना क्षेत्र में भी एक टप्पेबाजी घटना की गई थी, जहाँ उन्होंने इसी तरीके से कस्टमर को घेर करके उसके 15,000 रुपये निकाल लिए थे। इनके बारे में और जानकारी करने पर पता चला कि इनके विरुद्ध पूर्व में भी अन्य थानों में अयोध्या में और आजमगढ़ में और अन्य थानों में 3-4 मुकदमे पंजीकृत हैं।
अन्य मुकदमों का भी पता लगाया जा रहा है और इनसे पूछताछ करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। कानपुर में मंगलपुर थाना क्षेत्र के शाह डेरापुर रोड पर पब्लिक ने 3 अज्ञात बदमाशों को लूट के दौरान दबोचा और जिनमें से एक बदमाश को धना पिस्टल छीन पुलिस ने जमकर पीटा है, जबकि मौके पर 2 बदमाश फरार हो गए। बताया जा रहा है कि लूट में नाकाम बदमाशों ने पब्लिक के हत्थे चढ़ा है और आपको बता दें कि पिस्टल लेकर घटना को अंजाम देने पहुंचे थे ये युवक। जानकारी के मुताबिक बदमाशों पर डकैती और लूट के 9 मामले पहले से दर्ज हैं। फिलहाल सूचना मिलने पर पुलिस पूछताछ कर और घटनाओं के खुलासे में जुट गई है। उधर झारखंड के पारसनाथ स्थित समेद शिखर पर जैन समाज के बाद अब आदिवासी समाज ने भी अपना अधिकार जमाने की पहल की है। आदिवासी समाज ने जोरदार प्रदर्शन कर कहा है कि पूरा पारसनाथ पहाड़ी आदिवासियों को मिलना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इधर जैन समाज के लोगों ने भी पहले ही आंदोलन कर इस स्थल को तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की थी। ऐसे में अब आदिवासी समाज केंद्र और राज्य सरकार को घेरे में लिया है। फिरोजाबाद जिले के थाना दक्षिण पुलिस की जीप कार का धक्का लगाते हुए का वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो मंगलवार की दोपहर करीब 4 बजे का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग पुलिस की जीप में धक्का लगा रहे हैं। तस्वीर फिरोजाबाद शहर के स्टेशन रोड की है। वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। बिहार के समस्तीपुर में अवैध हथियारों की खरीद बिक्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो महउद्दी नगर के दियारा इलाके का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में मोबाइल का रोशनी में बातचीत की जा रही है। वहीं गंगा नदी के किनारे दियारा का इलाका है। बेचने वाला शख्स बता रहा है कि एक सरकारी मार्केट में लगातार एक के बाद एक साथ फायर कर सकते हैं, वहीं दूसरा देसी राइफल है। सरकारी मार्केट की कीमत 2.5 लाख रुपए है तो वहीं देसी राइफल की कीमत 1,10,000 रुपए रखी है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय थाने की पुलिस ने दियारा इलाके में छानबीन करते हुए 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच में अब जुटी हुई है। बिहार के भोजपुर जिले के नगरी गांव में एक अज्ञात बीमारी से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और 9 बच्चे अभी भी बीमार हैं। डॉक्टरों की टीम कई बच्चों में दिख रहे लक्षणों की जांच में लगी हुई है। डॉक्टरों ने बताया है कि खसरा का टीका समय पर नहीं लेने के कारण इस तरह का बीमारी फैलती है। संक्रमित लोगों का सैंपल लेकर जांच के लिए पटना भेजा गया है। बिहार में अज्ञात बीमारी से दहशत का माहौल बना हुआ है। उत्तराखंड के नगरी ग्राम में जो मुसर टोली है, वहाँ पुरानी भ्रांति के अनुसार वहाँ पर किसी प्रकार का टीका लेने से बराबर इनकार किया जाता था। वहाँ की आशा कार्यकर्ता कई बार वहाँ पर टीका के लिए बुलाने गई, परंतु के बच्चों कभी लेने पिछले कई महीनों से वहाँ पर कोई बच्चों ने टीका लिया नहीं है। जब ऐसे में सूचना प्राप्त हुई कि 6 तारीख को बुखार के साथ आने वाले रोग से ग्रसित होकर 2 बच्चों की मृत्यु हो गई, तब वहाँ पर पूरा प्रशासन, पूरा अस्पताल प्रशासन वहाँ जुटा और जिला से भी अनेक लोग वहाँ गए और वहाँ जा कर के हम लोगों ने हर घर में बच्चों की सीना की कितने बच्चे आक्रांत हैं, कुल 26 बच्चों का सूची बनी। उसमें से जो 4 अत्यंत गंभीर थे उन लोगों को सदर अस्पताल आरा रेफर किया गया है। वो अभी मेल मेडिकल वार्ड 2 में एक अलग वार्ड बना दिया गया है जहां ये बच्चे अभी इलाज प्राप्त कर रहे हैं। अभी जो कितने बच्चे को यहाँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।